As I believe Sundar Grassic Chairman, to the Trust for the Teacher, Mr. Amit Sir, and students present are here, lend me your ears as without spending too much time, I'm going to kick off my discourse relating to the most important and pivotal organ of government, that's judiciary. As we know that we are living in a democratic country, India, isn't it? Of course, it's a democratic country. And in order to make the spirit of democracy efficient and unchallengeable, we rely on the three basic organs of government. वो तीन बेसिक ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट वो है क्या? पहला है लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशियरी। जो लेजिस्लेचर है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। करेंटली द कोविड-19 पैंडेमिक इट स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब, और अगर हम मास्क लाते हैं मास्क लाने का मतलब ये नहीं कि हम मास्क पहनते नहीं, मास्क सिर्फ लाते हैं। इसका मतलब, इसका फायदा भी क्या है, मास्क लाने का फायदा क्या है? ऐसी जो लॉज बनाता है कोई, लॉज को इम्प्लीमेंट भी तो करना है ना, उसके लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ना, उसके लिए कोई सिस्टम होना चाहिए। ऐसा डिवाइस क्या कर रहे हो, सिस्टम है वो है एग्जीक्यूटिव। जो लेजिस्लेचर है इट फ्रेम्स द लॉज, एग्जीक्यूटिव इट एनफोर्सेस द लॉज। और बिफोर डिस्कसिंग अबाउट जुडिशरी, मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, सबसे पहले जुडिशरी को डिस्कस करने से पहले हमें ये समझना है कि व्हाट्स नंबर लॉ। अकॉर्डिंग टू मी, लॉ इज अ डायनामिक कंसेप्ट that is from time to time, from place to place, in a given society, according to the change in the conditions and situations of that particular society. जो law है ये एक dynamic concept है, यानी कि ये change होता जा रहा है। क्यों change होता जा रहा है? It depends upon the conditions and situations of a society. एक society, particular society में, उस society के conditions क्या है, उस society के situations क्या है, इसके according ये law जो है ये change होता जा रहा है। Now coming to our topic, judiciary. Judiciary is simply is the system of courts or chain of courts that defends and interprets the rule of law. हमने यहाँ पे term use की है rule of law. So defining this rule of law, it means that first of all we must know that this rule of law is the bedrock of our democracy. It's the bedrock of our democracy. It's the principle under which all the individuals, all the entities and all the institutions are accountable to laws that are publicly promulgated. यानी कि आवाम में इनको नाफिज़ किया गया होता है, that are equally enforced, यानी कि हर किसी पर ये लागू किए गए होते हैं, independently adjudicated, यानी कि आजादी से इसके हुकुम की तामील करने को कहा गया है, and is consistent with the international human rights. तो ये था रूल ऑफ लॉ जो प्रोफेसर बर्नर स्टेट्स वाइड डिस्क्राइबिंग द नेसेसिटी ऑफ द जुडिशरी। जो प्रोफेसर बर्नर है ये कहते हैं कि वी कॉन्ट एक्सपेक्ट ए सिविलाइज्ड सोसाइटी इन एब्सेंस ऑफ लॉ और इन एब्सेंस ऑफ एन एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम। हमें तब तक एक सिविलाइज्ड तहजीब याफ्त सोसाइटी की उम्मीद कुछ नहीं जब तक वहां पे एक एफिशिएंट, वहां पे एक सक्सेसफुल जुडिशियल सिस्टम न हो। तो कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ जुडिशरी, देयर न्यूमरस फंक्शंस ऑफ जुडिशरी। जो जुडिशरी है वहां न्यूमरस फंक्शंस, इसके बहुत सारे फंक्शंस है, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर देयर सम स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ जुडिशरी। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब कि जुडिशरी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मीनिंग देखते हैं किसी वर्ड में रेजोल्यूशन, ये हम देखते हैं, मतलब जब हम गौर करते हैं तो डिजायर्ड फॉर्म में रिजॉल्व मैंने मतलब यानी कि हल करना, अगर हम लिटरल मीनिंग देखते हैं तो हल करना। जो रेजोल्यूशन है, अब हम देखते हैं जो जुडिशरी है ये रिजॉल्व करता है केसेस एट वेरियस लेवल्स। इट रिजॉल्व केसेस बिटवीन सीजन टू सीजन, बिटवीन सीजन टू स्टेट, बिटवीन स्टेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट। और उसके बाद जो सेकेंड फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज दैट इट सेफ गार्ड्स द फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। देयर आर सिक्स मेन फंडामेंटल राइट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंडामेंटल राइट्स हियर। एज द फंडामेंटल राइट्स आर दोस सर्टेन बेसिक राइट्स दैट आर गिवन टू द सिटीजंस एंड दे आर दोस राइट्स दैट नीड, दे रिक्वायर द हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट एनकरेजमेंट। इट्स नॉट एनकरेजमेंट, रिमाइंड दैट इट्स एनकरेजमेंट, यानी कि जो सरकार के बस में है वो इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, इन फंडामेंटल राइट्स को वो प्रोटेक्ट करे, ताकि अगर कोई सीजन है, अगर अगर लग रहा है कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, इसी कैन अप्रोच द कोर्ट्स और जो जुडिशरी है वो इसको सॉल्व कर सकती है। उसके बाद येट अनदर फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज दैट इज इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी मीन्स जुडिशरी वर्क्स ऑन द नेचर ऑफ बीइंग अनबायस्ड और अनप्रेजुडिशियल। मैंने यहाँ पे दो वर्ड्स यूज किए हैं, अनबायस्ड एंड अनप्रेजुडिशियल, यानी कि जो जुडिशरी है एवरीवन इज इक्वल, यानी कि हर गार्ड वेदर दैट बी पोर,
गरीब हो, गोरा हो, काला हो, हर कोई इक्वल है बिफोर द लॉ। इसको हम कहते हैं इग्नोरेंस और प्रेजुडाइस। इसको हम कहते हैं अनबायस्ड और अनप्रेजुडिशियल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द जुडिशरी, दैट इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू और आर्टिकल 13 स्टेट क्या करता है, स्टेट दैट जुडिशरी कैन इंटरप्रेट द लॉज दैट आर मेड बाय लेजिस्लेचर। इट कैन इंटरप्रेट द लॉज और जो लॉज है इट कैन अगर इसको लगा कि मतलब कोई कानून ये ठीक नहीं है, इट कैन डिक्लेयर इट कॉन्स्टिट्यूशनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और जो डायमॉक उसका नाम था, ही स्टेट्स अंडर व्हाट टू बी नोटेड दैट अंडर आवर 22nd अमेंडमेंट एक्ट एंड 24th अमेंडमेंट एक्ट, ये स्टेट करता है जो जुडिशरी है इसको पावर है ताकि वो इवैल्यूएट कर सके लॉज को, ये लॉज को इवैल्यूएट कर सके, जो बनाता है लेजिस्लेचर को इवैल्यूएट कर सकता है। इवैल्यूएशन में भी मेनी टाइप्स जो जुडिशियल ट्रायल वाइडिंग हो सकती है या जो हम कह सकते हैं डेडलॉक हो सकता है बिटवीन द जुडिशियरी एंड पार्लियामेंट, डेडलॉक हो सकता है, लैक ऑफ क्लैरिटी हो सकती है यानी कि लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ कैसे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो सकती है, पेंडेंसी ऑफ केसेस हो सकती है एक्स्ट्रा, तो ये जुडिशियल रिव्यू इसी को कहते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे ट्रेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, अगर हम इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो है अगर हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे ये कैसे बना है, जो इंडिया का जुडिशरी है, इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है कैसे बना है, तो हम देखते हैं कि इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 फेजेस। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 फेजेस बट हम वो फेज यहाँ पे डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं बिकॉज टाइम इज लिमिटेड। सो मूविंग डायरेक्टली ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया इट्स पैरामीटर शेप। जो इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है इट हैज इट्स हैविंग अ पैरामीटर शेप यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर है दैट रिजेंबल्स दैट ऑफ अ पिरामिड और जो इसके बेस में है वो है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, जो उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट्स और उसके बाद आते हैं सुप्रीम कोर्ट्स। हम ये भी कह सकते हैं व्हाई इज पिरामिडल शेप, ये पिरामिडल शेप है तो क्यों है, अगर हम देखेंगे हम तो ऐसे भी बना सकते थे, हम ऐसे भी बना सकते क्यों सिर्फ पिरामिडल शेप क्यों है, क्योंकि हम देखते हैं जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है देयर आर मेजॉरिटी, ये जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है मेजॉरिटी में है इसलिए बेस पे यही रखे गए हैं। उसके बाद गोइंग टू द अपेक्स यानी कि जब हम ऊपर जाते हैं इट बिकम्स नैरोवर यानी कि जो हाई कोर्ट है वो इनसे वो सबॉर्डिनेट कोर्ट से कम है और अगर हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट अपेक्स वो अबॉन्ड होता है कंट्री में। तो कमिंग देयर आर 3 मेन कोर्ट्स इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। नाउ फर्स्ट कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 124 क्या इट मीन्स दैट एवरी स्टेट एवरी देयर मस्ट बी सुप्रीम कोर्ट एट द नेशनल लेवल यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट होना जरूरी है या और ये जो 124 आर्टिकल ये भी स्टेट करता है कि जो एक सुप्रीम कोर्ट है इट मस्ट लुक एट द नेशनल लेवल और इसमें नॉट मोर देन 7 जज एंड देयर मस्ट बी 1 चीफ जस्टिस। अगर हम देखते हैं 124 आर्टिकल के 124 आर्टिकल के तहत यही है। और अगर हम देखते हैं द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया वाज इन कलकत्ता अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1733 एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 28 जनवरी 1950। और जो सुप्रीम कोर्ट जो पहला बना वो बना था कलकत्ता में एंड इट वाज मॉडल ऑन द कोर्ट वेस्ट मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड यानी कि जो इसका मॉडल था इट वॉज ऑन द कोर्ट वेस्ट मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, वहां पे एक कोर्ट था उसी के बिना पर मतलब उसी का मॉडल दिया गया, फिर यहाँ पे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। और हम करंटली क्या देखते हैं जो इसकी सीट है वो है न्यू दिल्ली में इसकी सीट है सुप्रीम कोर्ट की। और जो सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट चीफ जस्टिस था वो था हरिलाल कानिया और जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस आई एम प्रोवाइडिंग यू द करंट इन्फॉर्मेशन नोट इट और जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो है एम वेंकटरामना और जो इससे पहले था वो था जस्टिस बोबड़े। और जो सुप्रीम कोर्ट है हम देखते आते हैं कि वहाँ पे इनिशियली वहाँ पे 7 जजेस थे बट जब 1957 की बात करते हैं हम 1957 में क्या हुआ कि जो ये सुप्रीम कोर्ट में जजेस है देयर स्ट्रेंथ वॉज रेज्ड अप टू यानी कि जो ये जो जजेस थे इट वॉज रेज्ड अप टू 10 जजेस इसमें सुप्रीम कोर्ट में लाए गए। उसके बाद अगर हम अंडर द एक्ट ऑफ 1960 अगर हम बात करेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो बढ़ गई 13 और 1960 में इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई 13 यानी कि जजेस 13 जजेस में लाए गए। उसके बाद अगर हम अंडर द एक्ट ऑफ 1977 अगर हम देखेंगे तो इसकी जो स्ट्रेंथ थी सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ थी ये बढ़ गई आपकी 17 जजेस इसमें से 17 जजेस लाए गए। और अगर हम देखेंगे 1986 में अगर हम देखेंगे
25 ओके और 25 तक और वन चीफ जस्टिस था, बट इन करंट यू आर सीइंग दैट देयर आर 33 जजेस। इससे पहले जो जिसका नंबर था इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस वो था 31, वो था अमेंडमेंट 2009 अमेंडमेंट एक्ट। 2009 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो जजेस टू नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट दे वर 31। आफ्टर दैट दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द जजेस और कंपोजिशन, कैसे कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नाउ कमिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस है उनको कौन अपॉइंट करता है, हम देखते हैं इसमें आते हैं थ्री केस, थ्री जजेस केस में आता है। जो फर्स्ट जजेस केस है हम देखते हैं जो कि हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया है, द जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट, यानी कि इसको अगर लॉ को देखना है, लॉ को डिफेंड करना है तो इसको मतलब किसी दूसरे ऑर्डर की या किसी दूसरे की हेल्प नहीं लेनी है, इसी को हम इसका नाम तो हम इंडिपेंडेंस देते हैं ना। लेकिन हम यहाँ क्या देखते हैं, थ्री जजेस केस में क्या देखते हैं, जो फर्स्ट जजेस केस था हम देखते हैं कि जो चीफ जस्टिस है, जो प्रेसिडेंट है, ही अपॉइंट्स द अदर जजेस, ही अपॉइंट्स जजेस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कंसल्टेशन विद दैट ऑफ अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फॉर मीटिंग्स एंड डिसीजंस, यानी कि जो जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है उनकी मदद लेकर जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है जजेस ऑफ द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहाँ पे वर्ड हुआ है कंसल्टेशन यूज, कंसल्टेशन बोर्ड जब यूज हुआ है हम क्या देखते हैं, जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है तो यहाँ पे इस कंसल्टेशन मतलब कि उसने मतलब टेकिंग राय बेस, टेकिंग राय को डिपेंड बेस पर कंसल्टेशन यहाँ पे बोर्ड हुआ है यूज, यू माइंड कंसल्टेशन बोर्ड हुआ है यूज। तो फर्स्ट केस में यही क्वेश्चन अराइज होता है, यानी कि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है वाई दिस वर्ड कंसल्टेशन हैज बीन यूज्ड इन इट, यानी कि वर्ड कंसल्टेशन से लायक क्यों गया। अगर हम कहते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है सो इट मीन्स वायलेट हो रहा है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है इट्स वायलेट, इट्स बीन वायलेटेड, सो हियर द वर्ड कंसल्टेशन। और सेकंड जुडिस केस इट वाज फॉर सेक्शन 1981 फर्स्ट जुडिस केस। और अगर हम बात करेंगे सेकंड जुडिस केस की, इसमें ये सेकंड जुडिस केस जो है इसमें चैलेंज दिया जाता है फर्स्ट जुडिस केस को, यानी कि जैसे हम घर में देखते हैं फैमिली होती है उसमें हमारे अब्बू अम्मा कुछ होते हैं, भाई बहन एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन ऐसे ही जुडिशरी जो है इट्स लाइक ए फैमिली, ये एक फैमिली है, इसमें भी जो कोर्ट्स वगैरह है इनकी मदद लेनी ही लेनी है। उसका मतलब ये नहीं कि अगर ये मदद देंगे इनसे, यानी कि ये नहीं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट या इट्स टू मतलब मदद लेने के बावजूद भी जो जुडिशरी है इट्स इंडिपेंडेंट। तो अगर थर्ड जजिस केस में हम देखेंगे तो थर्ड जजिस केस में कहा जाता है कि इस जो वर्ड कंसल्टेशन है इसको रिप्लेस किया गया बाय द वर्ड कोलिजियम, इसको रिप्लेस किया गया बाय द वर्ड कोलिजियम, यानी कि जो प्रेसिडेंट है लोग और इसके बाद आए एनजेएसी इन 2014, इसमें 6 मेंबर्स थे, 50% थे जुडिशियल मेंबर्स और 50% थे नॉन जुडिशियल मेंबर्स। ये जो एनजेएसी है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसके तहत क्या कहा गया कि प्रेसिडेंट जो है वो ले सकता है मदद दूसरे जजेस की, चीफ जस्टिस या जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट होम डी जस्टिस जिसको लगता है ये जरूरी है उनकी मदद ले सकता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, टेन्योर यानी कि कब तक ये जज बने रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, तो इसके लिए हम ईयर वाइज बात नहीं करते हैं, इनमें एज आती है 65 जो मेंबर्स होते हैं वो रिटायर होते हैं आफ्टर द एज ऑफ 65, तो फिर वो जुडिशरी में जो कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं रहता है। इसका मतलब अभी जुडिशरी अभी मतलब सुप्रीम कोर्ट का ठीक है 65 ईयर्स के मुकम्मल हो गए, अभी जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, मत है ना नहीं है जज सुप्रीम कोर्ट का। और जो ये अब हम देखेंगे मतलब कि इसकी जो सीट है इसकी नहीं रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये इसका मतलब ये कि ये बदलता रहेगा, इसको गवर्नमेंट कोई मतलब जॉब नहीं देगा, नहीं ऐसा नहीं है, जो गवर्नमेंट है ये इसको देता है जो मतलब ये इसको दे सकता है, मतलब किसी का हेड बना सकता है, किसी भी मतलब कमीशन का हेड बना सकता है। जैसे हम देखते हैं एमसी शाह फॉर एग्जाम्पल, एमसी शाह ही वॉज जो इसको अपॉइंट किया गया ताकि वो देख सके, जो 1957 में इमरजेंसी क्रिएट हुई थी, मिसबिहेवियर इमरजेंसी जो क्रिएट हुई थी 1957 में, एमसी शाह को अपॉइंट किया गया ताकि वो इमरजेंसी यानी कि वो इस मिसबिहेवियर को देख सके, वो द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पॉइंट भी नोटेड था कि वो द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद जब वो रिटायर हुआ उसको फिर 1957 इमरजेंसी केस जब हुआ तो उसको इसके लिए अपॉइंट किया गया ताकि वो इस केस को देख सके। और ऐसे ही
हम देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इनके टेन्योर है 65 ईयर्स, और जो अगर हम रेमुनरेशन सिस्टम की बात करेंगे, रेमुनरेशन सिस्टम यानी कि सैलरी कितनी हो सकती है, सैलरी इसके अलावा इनकी गवर्नमेंट अलाउंसेस भी होती है। अगर हम देखें कि चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इसकी सैलरी है 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। अगर हम देखेंगे जो इसके बाकी जजेस है उनकी सैलरी है 80,000, और इसके अलावा इनके पास होती है गवर्नमेंट अलाउंसेस। गवर्नमेंट अलाउंसेस बोले तो क्या, गवर्नमेंट अलाउंसेस यानी कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फ्री हाउसिंग एक्स्ट्रा इनके पास होती है, ये हो गवर्नमेंट अलाउंसेस। तो हम बात करते हैं ये हमें सबसे उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ताकि एक मतलब एक जो पर्सन है वो बन सके जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फर्स्ट क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए ही सीजन ऑफ इंडिया, वो सिर्फ इंडिया का सीजन होना चाहिए, किसी दूसरी कंट्री का सीजन नहीं होना चाहिए। दूसरे जो दूसरी जो क्वालिफिकेशन है किसी पास है वर्क एज एन एडवोकेट फॉर अबाउट 10 ईयर्स इन द सुप्रीम कोर्ट, इन द सुप्रीम कोर्ट और इन द हाई कोर्ट और टू और मोर सच कोर्ट सब्सक्रिप्शन, और किसी मस्ट हैव वर्क एज एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स इन द सुप्रीम इन हाई कोर्ट और टू और मोर सच कोर्ट सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि सिंपल सा काम कर लो कॉजल मेरियन या जज कॉजल मेरियन का सिंपल सा कर लो काम या जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या बे का मतलब जो भी एफिशियंट कोर्ट था या फिर सिंपल कर लो दहन मेरियन काम एज अ लायर, यानी कि हम वकील वकील का सेटिंग काम आप कर लो दहन मेरियन ताकि सुबह है जज इन सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद ये था दिस वॉज अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट सुप्रीम कोर्ट। नाउ कमिंग टू हाई कोर्ट, आर्टिकल 214 स्टेट्स दैट देयर मस्ट बी अ हाई कोर्ट एट स्टेट लेवल। जो आर्टिकल 214 है वो क्या स्टेट करता है, देयर मस्ट बी अ हाई कोर्ट एट स्टेट लेवल। जो ये हाई कोर्ट होना चाहिए ये होना चाहिए स्टेट लेवल पे ताकि जो और ये पॉइंट ये भी कहता है कि आर्टिकल 231 जो है आर्टिकल 231 जो है वो कहता है कि टू और मोर देन टू स्टेट्स कैन हैव ओनली वन हाई कोर्ट। आर्टिकल 231 स्टेट करता है टू और मोर देन टू स्टेट्स कैन हैव ओनली वन हाई कोर्ट, और जो आर्टिकल जो हाई कोर्ट है इसमें जो आई विल गिव द सम करंट इन्फॉर्मेशन जो आई विल गिव सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो बिगेस्ट हाई कोर्ट है वो है अलाहाबाद हाई कोर्ट, जो स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट है वो है सिक्किम हाई कोर्ट, जो फर्स्ट हाई कोर्ट है इंडिया में वो है कलकत्ता हाई कोर्ट, जो न्यूएस्ट हाई कोर्ट है वो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट और जैसे तेलंगाना एंड तेलंगाना हाई कोर्ट, और जो थ्री हाई कोर्ट आर हैविंग ज्यूरिसडिक्शन और मोर देन वन स्टेट अमंग देम आवर यूनियन टेरिटरी दिल्ली इज हैविंग इट्स ओन हाई कोर्ट। तो यही सब करंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस हाई कोर्ट। इसमें क्या होता है, इसकी जो कंपोजिशन है इसमें भी एक चीफ जस्टिस होता है और नंबर ऑफ जजेस होते हैं। जो चीफ जस्टिस होता है नंबर ऑफ जजेस कितने जजेस होते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं, इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट बिकॉज द नंबर ऑफ जजेस डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, यानी कि पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है एक स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है उसी के मुताबिक जो हाईकोर्ट में जजेस है वो रखे जाते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट इनका भी है एज दैट एज सेम वॉज एट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि इसमें भी जो चीफ जस्टिस है उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाईकोर्ट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, और उसके बाद जो बाकी जजेस है उनको चीफ जस्टिस से उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। और ये था हाईकोर्ट के बारे में। इसके बाद अगर हम देखेंगे जो हाईकोर्ट टेन्योर ऑफ द मेंबर्स, यानी कि जो मेंबर्स है वो कितने साल तक इस हाईकोर्ट के जज बने रहेंगे, आफ्टर द एज ऑफ 62 ईयर्स, यानी कि जो मेंबर्स ऑफ हाईकोर्ट है उनकी एज अगर 62 ईयर्स है, जब इनकी एज 62 ईयर्स होती है तो दे कांट बी मोर एनी मोर नाउ टू जज ऑफ द हाईकोर्ट, यानी कि वो हाईकोर्ट के जज नहीं रहे। और हम ये भी कह सकते हैं कि इनको रिमूव जजेस को रिमूव किया जा सकता है बिफोर देयर फुल टर्म कंप्लीशन, इनको रिमूव किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑन देयर आर टू बेसिस, देयर आर टू बेसिस, या तो इनको मिसबिहेवियर के बिना पर इनको रिमूव किया जा सकता है, या तो एबल नहीं होते हैं, या तो डिजर्व नहीं करते जज सीट, या डिजर्व नहीं करते जज सीट, या एबल नहीं होते हैं, और या तो ये मिसबिहेवियर ने कोई मिसबिहेवियर क्रिएट किया होगा तो इसी के बिना पर इनको रिमूव किया जाता है। इनको रिमूव कौन करता है, इनको रिमूव करता है प्रेसिडेंट, और जो इस रिमूवल दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जज इन द हाई कोर्ट इज कॉल्ड इंपीचमेंट। इसको कहते हैं इंपीचमेंट, इस प्रोसेस को रिमूवल ऑफ जज फ्रॉम द हाई कोर्ट इसको कहते हैं इंपीचमेंट। सेम ऑफ द केस इज इट ओनली फॉर हाई कोर्ट्स इंपीचमेंट मोशन, नो सर, इट वाज सेम फॉर सुप्रीम कोर्ट ऑफ सर, सुप्रीम कोर्ट्स में
हमारे इम्पीचमेंट के जरिए प्रेसिडेंट जज को रिमूव कर सकता है इवन ऑन द बेसिस ऑफ मिसबिहेवियर और दे आर नॉट डिजर्विंग द सीट ऑफ जज दैट दे हैव. ओके दिस वाज अबाउट हाई कोर्ट. नाउ let you conclude there. Okay, the time is running away. Okay, sir. At last, this was not all about the judiciary. This is not the ending. It's not the beginning of the end, but it perhaps is the end of the beginning.